नमस्कार, मैं संजय सनम, आप सबका सादर अभिवादन। दोस्तों, सोशल मीडिया का दौर है। सोशल मीडिया में सामाजिक, आध्यात्मिक सभी क्षेत्रों के समाचार आते हैं, लेकिन कई बार समाचार ऐसे होते हैं जिनमें दर्द भी होता है, जिनमें आक्रोश भी होता है। बात आज कर रहे हैं जैन समाज की। जैन समाज में विभिन्न संप्रदाय है और जैन समाज में संत और आचार्य के प्रति जो एक सम्मान है वो अपने आप में एक मिसाल है। लेकिन अगर जैन समाज के अनुयायी परंपरा को चलाने वाले, ट्रस्ट को चलाने वाले, समाज को चलाने वाले, अगर उनके मन में किसी भी बात का दर्द, आक्रोश होता है और वो अपनी व्यथा सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर रखते हैं और वहाँ पर उनके शब्दों में अगर संत और आचार्य के प्रति भी कहीं ना कहीं आरोप लगते हैं, कहीं ना कहीं शिकायत होती है, तो फिर बात बड़ी गंभीर होती है। जी हाँ, एक ऐसा ही मसला जैन समाज की तरफ से। और मैं चूंकि बेंगलोर के प्रवास में हूँ और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से मुझे जब एक ऐसा संदेश मिला, तो उस संदेश की तह तक जाने के लिए बात कहाँ से शुरू हुई, बात यहाँ तक कैसे आई, उसकी छानबीन के लिए हम आए हैं यहाँ पर। और मेरे साथ आप जिन शख्सियत को देख रहे हैं वो उस ट्रस्ट मंडल के मुखिया हैं, अध्यक्ष हैं। परिचय हम उन्हीं से सुनेंगे और उन्हीं से सुनेंगे उनकी जुबानी, उनकी कहानी, दर्द कहाँ हुआ, आक्रोश क्यों हुआ। तो हमारे साथ मनसुख खिचा, शीतलनाथ जैन स्वतंबर मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष जी। आप सर ये बताइए, आपका हमने व्हाट्सएप पर एक संदेश देखा, उसमें आपके सभी ट्रस्टियों के सिग्नेचर थे और वो जो संदेश था उसमें जैन संत आचार्य के लिए आपके मन में शिकायत थी, उलाहना था, दर्द था, आक्रोश था, उन्होंने कहीं आरोप लगाया उस पर, आपके उनके उन पर आरोप थे। हम ये जानना चाहते हैं सर, बात कहाँ से शुरू हुई और बात यहाँ तक कैसे पहुँची। सबसे पहले ये है कि मैं विमल सागर, आचार्य विमल सागर जी सूरी जी को नहीं जानता था। उनके रिश्तेदार शीतलनाथ जैन मंदिर ट्रस्ट का एड्रेस पूछते पूछते मेरे घर तक आए और उन्होंने ये भावना रखी कि विमल सागर जी का चतुर्मास आपके संघ के अंदर कराना है। तब मैंने नाम तो बहुत सुना था, मैंने बोला इतने आचार्य, इतने बड़े आचार्य कैसे हमारे यहाँ चतुर्मास करेंगे, हमारा तो छोटा सा संघ है। तो मैंने उनसे विनती की कि भाई पहले आचार्य जी से पूछिए, जब वो ईरोड में थे उस टाइम, तो उन्होंने मेरे को जवाब, उन्होंने पूछ के जवाब दिया कि भाई आप संघ वाले आइए ईरोड और विनती करिए, फिर हम विचार करेंगे। तो यहाँ से हम 20-25 लोग ईरोड गए थे, वहाँ पर हमने अपनी भावना बताई कि गुरुदेव हमारा विचार है कि आप हमारे संघ में चतुर्मास करिए। तो उन्होंने बताया कि भाई जगह कितनी बड़ी है, हमने तो बोला हमारा छोटा सा संघ है और जगह छोटी है। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि मन बड़ा है। तो हमने यहाँ पर, वो बोले आप जगह ढूंढिए। तो हमने बहुत कोशिश की, काफ़ी दिन तक हम जगह जगह घूम के, कि इन्होंने बताया था कि 10,000-15,000 स्क्वायर फीट की जगह चाहिए। तो हम लोगों ने ट्रस्ट मंडल ने काफ़ी मेहनत करके भगवान की दया से मंदिर के सामने ही वो जगह मिल गई हमारे को। हम लोगों ने उनको फोटो वगैरह भेजा, उन्होंने सब मेजरमेंट वगैरह लिया, उनके कहे मुताबिक हमने वहाँ पर सब पेड़ वगैरह कटवाए, प्लेटफॉर्म सब रेडी करवाए, जहाँ पर अनाप शनाप पेड़ काटने के लिए बोले। और हमने और फिर सेकेंड बार गए हम लोग, उन्होंने हमारी विनती स्वीकार की। फिर वो जैसे विहार करते करते आए और उनकी भाषा में थोड़ा सा बदलाव आया, तो उन्होंने हमारे से पूछा था कि भई ये भवन कब बना, कैसे बना। तो हम लोगों ने बताया था कि भवन देव द्रव्य के पैसे से ज़रूर बना है, हम लोगों को मालूम नहीं था ये। तब उन्होंने बताया कि देव द्रव्य के पैसे जो भवन बना हुआ है उसमें हम नहीं ठहर सकते। तो उन्होंने उपाय बताया कि महीने का 50,000 रुपया मैं किराया दूंगा आपको ट्रस्ट के अंदर और मैं वहाँ चतुर्मास कर सकते हैं। वो पैसा आज तक उन्होंने एक पैसा भी नहीं दिया। अच्छा। हाँ, और उनका प्रवेश बड़े, हम लोगों को खूब उत्साह था कि भाई इतने बड़े आचार्य आ रहे हैं। संघ ट्रस्ट खूब अपनी मेहनत करके काफ़ी पैसा उनको चतुर्मास के पहले हमने इकट्ठा करके दिया उनको और बड़े धूमधाम से हमने प्रवेश करा। सर ये बात कब की है? 2024 के चतुर्मास की, 24 ही है ना?
2023 के चतुर्मास की है। मेरे ख्याल से इतिहास के अंदर इतना धूमधाम से हमने उनका प्रवेश कराया तो संघ के अंदर एक बहुत बड़ा उत्साह था। और ये चलते गई ऐसी बात, मतलब क्या बोले, चतुर्मास का प्रवेश हो गया, दिनचर्या बड़े धूमधाम से प्रवचन हो रहे थे, बहुत सारी पब्लिक आती थी। जब ये मेन झगड़ा कहाँ से हुआ कि हम लोगों ने क्लियर बात की थी कि देव द्रव्य का पैसा उन्होंने खुद ने एक्सेप्ट किया था कि देव द्रव्य का जो भी पैसा आएगा वो मैं संघ के अंदर दूंगा। और नया मंदिर था, मंदिर के अंदर सपना जी, पाना जी, भंडार, सिंहासन, भगवान की आंगी, ये सब बनी हुई नहीं थी। तो इन्होंने बोला था कि आप चिंता मत करिए, जो आप बोलेंगे उससे ज़्यादा करवा के दूंगा मैं। तो भजूसन पर्व के अंदर जो सपना जी की वगैरह जो बोलियाँ बोली जाती है उनमें से एक पैसा भी हम लोगों को नहीं दिया, पूरा पैसा इन्होंने लिया है। सर, जितना मुझे पता है संत आचार्यों अपरिग्रह सिद्धांत जो पंच महाभारत है उनमें एक अपरिग्रह सिद्धांत आता है, तो उनको तो इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो पैसा तो समाज के हिस्से में है, समाज की जिम्मेदारी है व्यवस्था बनाना, वो तो आप लोगों की जिम्मेदारी के अंतर्गत आता है। बट ये बोलते हैं कि देव द्रव्य का पैसा का अधिकार हम आचार्य को है, आपके हाथ में ये पैसा नहीं दूंगा। लेकिन पहले चतुर्मास के पहले एक बात की थी और चतुर्मास के बाद दूसरी बात की इन्होंने। और जितना भी पैसा आया, जैसे अनुष्ठान होते थे उस दिन, जैसे भोजन रखा जाता था तो उसका छड़ावा बोला गया था, बहुत से आदमियों ने लाखों रुपये में वो छड़ावा लिया। छड़ावा के अलावा इन्होंने व्यक्तिगत विमल सागर सूर्य जी खुद बैठ के उसमें 150 रुपया, 250 रुपया, 300 रुपया एक एक पास का इन्होंने कलेक्ट किया है, जो हजारों पास इन्होंने दिए। तो ये ऐसा क्या बोलते हैं प्रबंध मैंने पहली बार देखा है। आज तक मेरी भी इतनी उम्र हुई है, कहीं भी जो आदमी छड़ावा लेता है उसी का रहता है, अलग से कूपन का कोई सिस्टम मैंने नहीं देखा है। और इन्होंने जितना भी पैसा लिया है, ये कल्याण मित्र वर्षावास किसका है हम लोगों को मालूम ही नहीं था। तो इन्होंने आके बोला कि जो भी रसीद काटी जाएगी, और इन्होंने प्रवचन के बाहर ही अपने आदमी बिठा दिए थे पैसा लेने के लिए। और पैसा चढ़ावा जो भी बोला जाता था वो बाकायदा इन्होंने प्रवचन में अनाउंस किया है, या तो आज शाम तक देना है या कल सुबह तक आपको पैसा जमा कराना है। इनको क्या डर था पैसा वसूल करने का हम नहीं मालूम। काफ़ी अच्छे अच्छे धर्मी लोग, मतलब धर्म के प्रति श्रद्धा रखने वाले लाखों के चढ़ावे बोले, पैसा भी इमीडिएट चुकाया, लेकिन फिर भी इनको क्या ज़रूरत पड़ी एक श्रावक के घर 70-80 आदमी भेज के उधर धमाल कराया, गुंडागिर्दी कराई इन्होंने, धमकियाँ दिलाई, और उन श्रावक को बोला अगर ये खाना आता तो इसके हाथ से प्लेट खींच लेना, इसको खाने नहीं देना, और उनकी वाइफ के हाथ से फोन छीन लिया। तो ये क्यों ऐसा किया मालूम नहीं। शीतलनाथ ट्रस्ट मंडल के अंदर कोई पैसा का हिसाब किताब इन्होंने नहीं दिया। जितनी बोलियों का चढ़ावा इन्होंने अपने खुद का आदमी बिठा के सब कल्याण मित्र वर्षावास की रसीद इशू की है। तो सर बात कहाँ हुई, मतलब ये चतुर्मास चलता रहा, व्यवस्थाएं चलती रही, वो अपना काम करते रहे, आपके मन में असंतोष होता होगा, उस वक्त भी हुआ होगा, लेकिन उसके बाद में चतुर्मास संपन्न होने के बाद क्या आप पर आरोप लगे या बीच में ही आरोप लगे थे? इन्होंने पैसा का तो इन जो चतुर्मास के पहले जो पैसा इकट्ठा किया था वो सब पैसा, एक एक पैसा का हिसाब, एक एक चीज का उनको वाउचर के साथ 10-12 आदमी के सामने मैंने पूरा हिसाब इनको दिया ट्रस्ट मंडल के सामने। और उसके बाद इन्होंने झूठा आरोप लगाया संघ के ऊपर कि ये लोग पानी में पैसा खा गए, इसमें पैसा खा गए, राजस्थान से बैंड बाजा बुलाया उसमें पैसा खा गए, अनगिनत झूठे आरोप लगाए। मतलब जिन्होंने व्यवस्था की, हाँ। जो आगे बढ़कर के जिन्होंने चतुर्मास की जिम्मेदारी ली, हाँ। और आरोप आप कहते हैं आप पर ही लग गया, हाँ, हमारे ऊपर ही आरोप लगाए। और ये मतलब आपने जो व्हाट्सएप पर मैसेज दिया है, हाँ। वो उनके जो आरोप लगे हैं उससे ये मन व्यथित हुआ है, मन में आक्रोश हुआ है, ये उसका परिणाम है। 20/8/2024 को मैसूर के अंदर प्रवचन में इन्होंने ऐसी ऐसी भाषा यूज की है संघ के ट्रस्टियों के ऊपर कि ये भिखारी की जमानत है,
पुष्पांजलि अपार्टमेंट के अंदर 33 जनों के घर है। अब ये बता रहे हैं कि उसमें नो ट्रस्टी सिर्फ पैसा दिए, नो ट्रस्टी नहीं, नो ट्रस्टी को ही हमने देखा है, बाकी के मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, हिंदू है, कौन है। तब तक 5 महीने का चतुर्मास में इनको मालूम नहीं था कि यहाँ पर मुसलमान कितने हैं, ईसाई कितने हैं, हिंदू कितने हैं। 33 जैनों के घरों के अंदर इन्होंने गोसरी ली है, तब इनको मालूम नहीं था कि यहाँ पर मुसलमान और हिंदू रहते हैं या ईसाई और सिख रहते हैं। नहीं, अगर जैन संत आचार्य के चतुर्मास में जैन के अलावा अजैन आता है तो वो सौभाग्य की बात है, तो उसमें ये गिनने की क्या बात हो गई हिंदू सिख ईसाई। ये किस भाषा में ये बात किया मालूम नहीं। हर तरह से ये शीतलनाथ ट्रस्ट मंडल को बदनाम करने चाह रहे हैं और इसलिए ये आरोप लगे, क्योंकि हम लोग इनको बार बार पूछ रहे हैं कि भैया आप संघ को हिसाब क्यों नहीं दिया। और जो चतुर्मास के अंदर पाना जी चौदह सपने का जो छड़ावा बोला था उसका एक पैसा भी संघ के अंदर नहीं दिया, पूरा पैसा ये लेके गए। और इनका पूरा हिसाब किताब सूरज जी बागरेचा गढ़ सिवाना वाले के पास था, जो इनके संबंधी लगते हैं। मैं एक चीज नहीं समझ पा रहा हूँ कि जैन संत आचार्य अपने पास पैसा रखते हैं, ये मुझे आज पता चल रहा है। मैंने तो आज तक ऐसा नहीं देखा, हम लोग ट्रस्ट मंडल ये पहली बार देख रहे हैं कि पूरा हिसाब किताब कूपन बांटना, चाहे पूजन का कूपन रहो चाहे खाने के कूपन रहो, ये खुद बैठ के कूपन वितरित करते थे और इनका पैसा पूरा इनके असिस्टेंट सुरेश बागरेचा लेते थे। जैसे पूजन के अंदर बहुत सारे ऐसे हम लोगों के पास प्रूफ है कि यही साड़ी, यही कलर की साड़ी पहन के आना, यंत्र में मंगा के दिया हूँ उसका 1000 रुपया लगा है। हम लोगों को अभी भी डाउट है, ये सरासर गलत है, ऐसे 1000 रुपया का कोई यंत्र आता नहीं है, 1000 रुपया की साड़ी इन्होंने खरीदी नहीं है। तो ये सारी चीजें चातुर्मास के उस कालखंड में हुई, उसी 5 महीने के अंदर हुई, और ये आरोप लगे चातुर्मास के बाद में, चातुर्मास के पहले ही लगने लगे, पहले लगने लग गए। मेन क्या हुआ साहब, हम लोग 21 ट्रस्टी है, शीतलनाथ जैन स्वतंबर मंदिर ट्रस्ट के अंदर 21 ट्रस्टी है। 21 ट्रस्टियों को इन्होंने 3-4 भाग में बांट दिया, आपस में फूट डाल दी, एक दूसरों का गलत आरोप लगा के सब ट्रस्टी आपस में लड़ने लग गए। और ये इन्होंने पूरा अपनी मनमानी करके यहाँ चतुर्मास किया। शीतलनाथ ट्रस्ट मंडल के ट्रस्टियों को अलग अलग बुला के धमकी दी है और सामने भी दी है कि अगर आप कुछ करोगे मैं आपके घर के सामने अनशन करके जहर खा के प्राण त्याग दूंगा, ऐसी धमकियाँ दे के भी डराए, अगर आप ज़्यादा आवाज़ किए तो मैं यहाँ से छोड़ के चला जाऊँगा। हम लोग पूरा ट्रस्ट मंडल इज्जत के खातिर कि कहीं ऐसी घटना नहीं हो जाए, हम लोग चुप रहे। अभी तक 20/8/24 तक हम लोग चुप बैठे थे, अब इन्होंने हमारे संघ के बारे में अनगिनत बातें करने लगे। अब मजबूरन होकर हमको ये लेटर लिखना पड़ा और उस लेटर में करीबन 30 ट्रस्टियों के साइन है। तो कहने का मतलब ये चातुर्मास की जो गतिविधियां हुई उस पर आपके मन में असंतोष था और उनके आरोप थे, आपके सवाल थे। आप सवाल उठा रहे थे और वो आप पर आरोप लगा रहे थे, जबरदस्ती हमको दबाने की कोशिश की इन्होंने। कोई भी 5 महीने तक किसी ट्रस्टी को एक नहीं होने दिए, अगर आपस में हम मिल जाते तो भी ऑब्जेक्शन करते थे कि तुम उस ट्रस्टी से क्यों मिले, उनसे क्यों बात कर रहे हो तुम लोग। बड़ा आश्चर्यजनक लग रहा है, साधु संत आचार्य का काम तो जोड़ना होता है साहब, लेकिन जिस तरह से ये ट्रस्ट मंडल के अध्यक्ष बता रहे हैं कि हमें तोड़ने की कोशिश की गई, तो फिर यह मैसेज तो सिर्फ जैन समाज की बात नहीं है, संपूर्ण समग्र साधु संत समाज के लिए बड़ा विचारणीय संदेश है कि आपका काम समाज को जोड़ना है, रूठे हुए को मनाना है, भटके हुए को रास्ता दिखाना है। और अगर यहाँ पर ऐसी स्थिति हो रही, मैं अगर शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ क्योंकि जब तक मेरी बात सामने वाले पक्ष से नहीं हो जाती तब तक मैं पूरी बात को कन्फर्मली नहीं कह सकता, लेकिन चूंकि इनका एक पक्ष है, इनका एक मैसेज है सोशल मीडिया में, इसलिए जब हमें पता चला तो हमने इनसे बात की कि आपके इस मैसेज पर आप अपनी बात खुल करके रखिए ताकि मैसेज खुले, संदेश खुले। और अगर चाहेंगे आचार्य विमल सागर जी की तरफ से इस मैसेज का जवाब देने के लिए तो हम उनका भी स्वागत करेंगे कि अगर वो उस बात का जवाब देना चाहते हैं तो उनका स्वागत रहेगा। सर,
कोई खास बात? अब ये आपका अनुभव कैसा रहा? अनुभव तो ऐसा हो गया कि हम लोगों को समझ में नहीं आ रहे कि इतने बड़े आचार्य भगवंत होके धर्म के बारे में बात नहीं करके सांसारिक जीवन की ज्यादा बातें करते ही है। लेकिन इनके जो ओजस्वी वक्तृत्व होते हैं वो थोड़े अलग होते हैं। इनके जो क्रांतिकारी विचारक की तरह हम इनको बोलते देखे हैं, लेकिन आज आपकी बात सुनकर के एकदम दृश्य बिल्कुल दूसरा हो रहा है। और एक बात मेरे को समझ में नहीं आई, मैं कम से कम 6 साल से अध्यक्ष पद पे हूँ, विमल सागर जी आने के बाद ट्रस्ट मंडल के सदस्यों को अलग अलग बुला के मनसुख जी खिंचा को ट्रस्टी से नीचे अध्यक्ष पद से नीचे उतारो, मैं आपको चांदी के सपने, पाणा जी, भंडार, सिंहासन, दरवाजा सब चांदी के अंदर बना के दूंगा। मतलब प्रलोभन दिया गया, तो ये तख्ता पलट है एक तरह से। इसको विशुद्ध भाषा में तख्ता पलट कहते हैं। ये मेरे को सीट से नीचे उतारने की कोशिश की इन्होंने, लेकिन आप सीट पर है। ट्रस्ट मंडल एक सदस्य से भी ये बात नहीं माना, और जब इलेक्शन हुए तो 21 के अंदर 19 ट्रस्टियों ने बोला कि अध्यक्ष तो सिर्फ मनसुख जी खिंचाई रहेंगे। अब मनसुख जी, आपका ये पत्र जाने के बाद वहां से कोई प्रतिक्रिया आई, कोई जवाब आया? आई, और हम वेट कर रहे हैं कि इनकी क्या जवाब आवे उनका। आप उनका जवाब चाहते हैं? और अगर वो आपसे संवाद करने के लिए आपको बुलाएं तो आप जाना चाहें? पूरा ट्रस्ट मंडल रेडी है, भर प्रवचन के अंदर हम जाने के लिए रेडी है, हर कहीं भी समाज के सामने हम जाने के लिए रेडी है। चलो, एक अच्छा मैसेज। जब समाज होता है तो कई बार विवाद भी हो जाते हैं, लेकिन विवाद मिट सकते हैं संवाद की प्रक्रिया अगर जारी रहे। डिजिटल फर्स्ट न्यूज ये कामना करता है कि जो एक तल्खी का माहौल बना है वो सुलझ जाए, और संत समाज अपनी जिम्मेदारी समझे, श्रावक समाज अपनी जिम्मेदारी समझे, क्योंकि ऐसी घटनाएं समाज के लिए वरदान नहीं होती, अभिशाप होती है, और संत और आचार्य समाज के लिए तो ये विशेष जिम्मेदारी की बात है। श्रावक गलती कर सकता है, लेकिन संत आचार्य से गलती की अपेक्षा नहीं की जा सकती। कोई खास बात? चतुर्मास के बाद हमको काफी जगह से, जैसे कोयम्बतूर, सेलम, ईरोड, भिवंडी, भांडुप, चेन्नई, धुलिया, जगह जगह से हमको मिली थी कि आप लोगों को विचार करना चाहिए था, साधु भगवंत का क्यों चतुर्मास कराया आप। और ये भी हमने बाद में नोट किया, बड़े बड़े संघ इनका कोई चतुर्मास कराने के लिए रेडी नहीं थे, लेकिन हम बहुत भावनाक से इनको लाए थे कि भाई बहुत स्ट्रिक्ट है, तो हमको बहुत अच्छा लगा कि भाई स्ट्रिक्ट भगवंत होने चाहिए हमारे समाज में, लेकिन ये मालूम नहीं था कि हमारे ट्रस्ट में इतनी फूट डलवा देंगे। और हम लोग आपस में ट्रस्टी एक दूसरे से बात करना तक बंद कर दिया था, जब सच्चाई मालूम पड़ा तो पूरा ट्रस्ट मेरे साथ खड़ा हुआ है। भावनात्मक प्रवाह है, और जब दर्द होता है तब भी टीस की आवाज होती है, और जब कोई स्वाभिमान पर आघात लगता है तब भी कहीं ना कहीं ललकार की आवाज होती है, लेकिन फिर भी हम ये अपेक्षा करते हैं कि संत समाज अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे, अगर कहीं चूक हुई है तो उस चूक को मिटाने की कोशिश करेंगे, और जिन्होंने पहल करके चातुर्मास की परंपरा को निभाने की कोशिश की उन्हें बुला करके संवाद की प्रक्रिया जारी रख करके, और इस गंभीर विषय को बहुत सहजता के साथ, सरलता के साथ और समन्वयता के साथ इसे सुलझाने की कोशिश होगी, हम ये अपेक्षा करते हैं। आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपने मन की बात कही, मन की बात के साथ साथ समाज की बात है, आपने वो कही, मैं आपका आभार ज्ञापित करता हूँ। और यह मैसेज भी जाएगा, और एक बार पुनः मैं वहाँ भी अपील करता हूँ कि अगर वो पक्ष भी अपनी बात कहना चाहे तो डिजिटल फर्स्ट न्यूज़ के दरवाजे खुले हैं, हम किसी भी गंभीर मुद्दे पर एक तरफा राय नहीं देते, हमारी तरफ से आमंत्रण है, लेकिन अगर कहीं कोई मैसेज गया है, कोई मैसेज सोशल मीडिया में आया है, तो फिर उसका विश्लेषण भी जाना चाहिए। बहुत बहुत आभार, नमस्कार।